गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज गीता वाल्मीकि। सो गाइस हम लोग आए हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए, और एक्चुअली मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, मेरे दोस्तों के साथ आई हूँ, और एक्चुअली दोस्त मतलब सुष्मिता उसके फैमिली के साथ आई हूँ, और वेटिंग टिकट में मैं आई हूँ। पहुँच चुके हैं हम लोग, ट्रेन जर्नी मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो अभी जा रहे हैं मॉल रोड घूमने के लिए, तो मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं, चलो मेरे साथ। और यार मुझे सर्दी है, जुकाम है, तो बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो व्लॉग सुष्मिता भी करेगी, मैं भी करूँगी। आज हमारा पहला दिन है दार्जिलिंग में, और मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, और मज़ा आने वाला है। ठंड है, मज़ा आ रहा है। एक्चुअली ठंड में, ठंड एक्चुअली एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, है कि नहीं? आई फर्स्ट टाइम ट्रेन जर्नी करे इससे यहाँ तो दूर, आज ही इससे आज ही बेरो टायर्ड ताऊ एक्साइटेड। एक्चुअली इसने कभी भी मतलब 10 घंटा 8 घंटा इस टाइप का ट्रेन जर्नी किया ही नहीं है, दिखा गई है वैसे 4 घंटा लगता है, तो इसको मालूम नहीं था, तो इसको ज्यादा ही कुछ ज्यादा मतलब कि ट्रैवल का वो होता है ना, स्ट्रेस हो रहा है। और मैंने आज अपने भाई का हुडी पहना है बार्सिलोना का, तो मेरा मन था पहनने का, इसलिए मैंने पहन लिया। करण से मांग के लेके आई थी मैं ये हुडी। ये है सुष्मिता के जीजू दीदी, और ये पुचकू, और वो है जेली। जेली कहाँ है? जेली जेली देखा अच्छे ने, जेली टाड़ा को दो, टाड़ा बोलो, हे हेलो टाड़ा। गाइस अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, 10 मिनट चलना है, लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लग रहा है वैष्णो देवी जा रहे हैं। रोड के अंडरग्राउंड मार्केट में, और यहाँ पे बहुत सारा ठंड का सामान है, स्वेटर है और टोपी वगैरह सब कुछ है जो भी आपको लगता है ठंड के लिए, और घर ले जाने के लिए भी बहुत सारे सोविनियर्स है, तो देखते हैं क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। आ गई, कहाँ टक गई भैया, बहुत दाम है पता है, यहाँ पे कोलकाता से भी ज़्यादा दाम बोल रहा है। मैं जो टोपी 100 में लाई हूँ वो टोपी का प्राइस 150-200 बोल रहा है। ये सब देख रहे हो, ये सब मुझे बहुत पसंद आ रहा है, सोच रही हूँ खरीद लूँ घर के लिए, पर आज ही फर्स्ट डे है, खरीदना सही होगा सुष्मिता? हाँ आगे पास। स्टूल 350 350 रुपए का है, देखा ना वो किलो 150 रुपए किलो नहीं। हम लोग का भी नहीं मिले, 750 750 तो बहुत महंगा हो रहा है। चीज भी बहुत अच्छा है, अंदर फोर वाला है। अच्छा ये सब शॉल वगैरह, हाँ ये शॉल वगैरह, ये जो पीछे लगा आपके दिल्ली का है, 750-950 750-950 और ये सब स्वेटर 950 अच्छा। स्टार्टिंग रेंज क्या है अंकल, जैसे कि किस प्राइस रेंज से शुरू है? 200 रुपये से, 200 रुपये से शुरू है। अच्छा ये 200 रुपये वाला है। सो फ्रेंड्स आज हमारे जाने का बात है 10 पॉइंट्स देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग सभी, और अभी मैं संतरा खा रही हूँ, और क्या सुंदर व्यू है आप देख सकते हो, थोड़ा फॉग है, हो सकता है फोन जस्टिस ना करे उतना अच्छे से।
देखते हैं क्या होता है आज के दिन में, मजा करेंगे। और कल रात को मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि ज्यादा कुछ एक्चुअली दिखाने के लिए था नहीं, इंजॉय कर रही थी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जीजू और दीदी आए उनके साथ, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही व्लॉग में आप लोगों को सब कुछ दिखा दूंगी। लेट्स गो। आज के फर्स्ट टाइम আমি ঘুম থেকে উঠে পাহাড়ের ভিউ দেখলাম, এত সুন্দর ছিল। আমি আগে দেখেছি, আমি প্রথম দেখেছি পহলগামে, তারপর বরফে পাহাড় দেখেছি, খুব সুন্দর। এই ঠান্ডাতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি আর বরফ কি দেখি। আমাদের জেলি, আমাদের জেলি কি ফ্লাওয়ার ম্যান জেলি বলো, হ্যালো বলো, হ্যালো দাদা, দাদা বলো, দাদা আচ্ছা বলো, বলো নো, বলো নো। गाइस ये हमारा पूरा ग्रुप है, देख सकते हो, बच्चे कच्चे मिला के सब हम आए हैं। ड्राइवर की चालान तो गलो नाकि गाइस अभी हम लोग आए हैं चाय बागान एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है। चाय पत्ती, चाय पत्ती यहाँ पे गाइस, यहाँ पत्ता तोड़ना मना है, और अगर आप लोग आके पत्ता तोड़ते पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ 500 रुपए, 500 रुपए जुर्माना है गाइस। पूछ को ताका है देखे, जेली तुम्हें पोड़े। गाइस अभी हम लोग आए हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखने के लिए, तो चलो मेरे साथ देखते हैं कैसा है मॉनेस्ट्री। ठंड है यहाँ पे, मस्त ठंड है। मैंने अपने बचाने के लिए सब कुछ पहन लिया है, मुझे ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। मुझे भी दिखा, मजा आ रहा है बहुत। आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसका वीडियो जरूर देखना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ गाइस, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। अब मजा आ रहा है, ठंड है, ठंड में एक जोश है, जज्बा है, और सबके साथ घूम रही हूँ। कल तो बहुत टायर्ड थी, उतना मजा नहीं आ रहा था, अभी अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है। आमार फैमिली मेंबर, अभी देखा बोलो। हाँ देखा, ये भी देखा, ये देख लो, हमारे फैमिली मेंबर। हाय इधर, ये जो हमारे दादा। अभी वो सीट दिए थे, हाँ सीट दिए थे, আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। গাইস গীতা 2 সপ্তাহ আগে টিকিট বানিয়েছে, আসবেন আসবেন বলে, গীতা ওয়েটিং টিকিট এসেছে, আমাদের সিট নিয়ে শুয়েছিল। अभी हम लोग आए हैं बाताशिया लूप, तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। टिकट का प्राइस 30 रुपए है। हाँ तो एंटर करते हैं, देखते हैं कैसा है। यहाँ पे कुछ है वॉर मेमोरियल कुछ रखा हुआ है, वो देखना, जवान जवान ऐसे करके वो दे रहा है। रुको आप लोगों को दिखाती हूँ, जिनको पढ़ना है इंटरेस्टेड वो पढ़ सकते हो। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल में, देख सकते हो मेरे पीछे ही है बिल्कुल, और उन लोगों का फोटो खींचने के लिए बुला रहे हैं शायद। ये रहा वॉर मेमोरियल। ड्रेस परचेज आशी, तो सुष्मिता ड्रेस पहन रही है, तो जाके देखती हूँ क्या प्राइस है, आप लोगों को बताती हूँ ड्रेस पहन के फोटो खींचने का क्या प्राइस है। देखो गाइज ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, यहाँ से टॉय ट्रेन जाता है, 50 रुपए प्राइस है ये ड्रेस पहनने का। फोटो खींच के सुष्मिता, फोटो खींच के 50। फोटो खींचने का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चा का कौन सा है? बच्चा का फोटो मेरी
भैया फोटो कौन खींचेगा भैया ड्रेस का? फोटो वाला उधर है, फोटो का 50 लगेगा। अलग 50? हां, ड्रेस 50, फोटो 50। ओ वो बच्चे का भी। तो गाइस सबको फोटो खींचना हो गया, देख सकते हो मेरे पीछे आई लव दार्जिलिंग लिखा है, यहाँ से काफी सुंदर व्यू आ रहा है। गाइस यहाँ पे मैं ट्रेन ट्रैक में मजाक कर रही थी, टॉय ट्रेन के ट्रैक में, और मेरे शू में गंदा लग गया। मतलब जिस बात का मुझे डर था, मैं जो तुमने करके दिखाया, हाँ, बिकॉज मैं एक ब्लैक शू भी लाई हूँ। ओ ट्रेन आ रहा है, आप लोग को दिखाना ही पड़ेगा, बहुत ठंड है, हाथ में कुछ फील नहीं हो रहा। टॉय ट्रेन आ रहा है गाइस, मैं चढ़ के दिखाऊंगी। गाइस क्या रास्ता था, बहुत मजा आया यार। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन में यार झरना है, वाटरफॉल हो रहा है, इसको तो बहुत मजा आ रहा है, ये पहली बार देख रहे हैं वाटरफॉल। ले व्लॉग कर, मेरा कान बंद हो गया है प्रेशर से, बैक कैमरे से व्लॉग नहीं आता कोई फोन ना व्लॉग में, और इसने मुझे घुमा दिया अपना फोन में, क्या और खड़े अभी टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ के टिकट का प्राइस 20 rupees है रॉक गार्डन का, और प्रेशर इतना था मेरा कान बंद हो गया है सभी का। गाइस अभी 4 बज रहा है और हम लोग रॉक गार्डन में अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ऊंचा है इसलिए हाँफ रही हूँ, और बहुत ठंड है। पहले इसको पहले कवर करना चाहिए था, हमसे गलती हो गया, हम इसको बाद में कवर कर रहे हैं। गाइस काफी ऊपर तक आ चुके हैं, दौड़ दौड़ के आए, पीछे देख सकते हो, और टोपी पहनना भूल नहीं गए, ऐसे मुझे बहुत सर्दी है। और उन लोग को देखो वहाँ पहुँच गए, वहाँ पुचकू है वो। हमारे ग्रुप में जितने लोग आए ना, कोई ऊपर तक नहीं आया, थक चुके हैं सब, थक के हार गए। हम हैं एडवेंचरस लोग, हम ऊपर आए हैं सबसे ज्यादा ऊपर, और ये लोग तो सबसे ज्यादा ऊपर, वहाँ पे मैं अकेली। अरे चढ़ तो गई ऊपर, ऐसे ऐसे उतर रही है ना, बोलो बंगला वाला। हम उठे तो कैसी ला, हमें अनेक से उठे थे, मतलब बड़ा उठते थे ओखने, वहाँ पे ना काई है, वहाँ पे उठना सेफ भी नहीं है। क्या झरना है यार गाइस, मजा आ रहा है। मेरे पास एक ड्रोन होता ना, मैं भी दिखाती गाइस। कैमरा का जो बैटरी है डेड हो गया है, अब दूसरा बैटरी भरेंगे। मजा आ रहा है काफी यहाँ पे, और अभी कुछ भूख लग चुका है, तो हमने मोमो खाया था जब, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। मोमोज बहुत टेस्टी है यहाँ का, है ना, मस्त है ना मोमो,
₹70 करके चिकन मोमो था, ₹70। और वेज मोमो खाया, उसमें सिर्फ पत्ता गोभी था, तो वेज मत खाना, अगर वेजिटेरियन हो तो खाना ही पड़ेगा। गाइस अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अभी भी थोड़ा स्टीप है ना, तो उतरने में भी दिक्कत है वैसे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, अब कल मिलते हैं, टाटा।